धैर्य धैर्य, वैसे नाम नाम कैसा लगा आप लोगों को? धैर्य, मतलब बहुत सोच समझ के रखा है। धैर्य सबसे बड़ा गुण है किसी भी व्यक्ति के अंदर, मेरे अंदर है नहीं गुण, तो अब मैं इसलिए उसका नाम धैर्य रख दिया ताकि अगर कोई मुझे बोले तुम्हारे अंदर धैर्य नहीं है, मैंने बोला तो मेरे अंदर नहीं तो क्या हुआ, मेरे पास तो धैर्य है। तो दोस्तों ये बिल्कुल गलत बात है, लोग कहते हैं कि घर केवल महिलाएं संभालती हैं, पुरुष भी संभालते हैं, मैं भी तो पुरुष हूँ और अगर मैं घर संभाल रहा हूँ तो मैं तो महापुरुष हो जाता हूँ। ये देखिए, सुबह सुबह मैं पपीते छील रहा हूँ, पपीते सेव काट रहा हूँ पिताजी के लिए और नेहा जी के लिए यानी पत्नी जी के लिए अपनी, और मम्मी ये सब करवा रही हैं मुझसे, तो मतलब आगे आगे वो है, पीछे पीछे चेला है। फ्रिज में क्या केला है तो दिखाई निकाल देता हूँ। तो घर का काम करवाने मैं भी मम्मी का हाथ बटाता हूँ, है ना मम्मी? मम्मी का 50% वर्कलोड में कम कर देता हूँ, मम्मी तो बस थोड़ा बहुत देख के मुझे गाइड करती रहती है कि बेटा ऐसे करना है, बेटा वैसे करना है, बेटा करते जाता है, बेटा एकदम आज्ञाकारी बेटा है। कुछ बेटे होते हैं जो अत्याचारी बेटे होते हैं, लेकिन हम आज्ञाकारी बेटे हैं। और आज घर में कढ़ी बन रही है, ये देखिए कढ़ाई में कढ़ी का मैदान तैयार हो रहा है, और कढ़ी खाने के बाद 3 दिन तक मम्मी फिर गला पकड़ के बैठी रहती हैं, कितना भी मना करो लेकिन कढ़ी से उनका मन और मुंह भंग नहीं होता है। दूसरे इसमें क्या चाय? काढ़ा पापा को। ओहो, एक तरफ कढ़ी दूसरी तरफ काढ़ा। और जो छोटा भीम है वो आज अपने कमरे से निकल के इस कमरे में घूमने आया है, सो रहा है। अरे पिताजी मैं सो नहीं रहा हूँ, मुझे जबरदस्ती सुलाया जा रहा है। तो पपीते मैंने काट दिए हैं और मम्मी आके मेरी हेल्प कर रही हैं सेब के छोटे छोटे करके। मम्मी ये सेब के छिलका नहीं मारना, ये तका करो खाने वाले। अरे कहे नहीं मानना, सेब के छिलका खराब थोड़ी होते हैं। मम्मी सेब के छिलके भी काट रही है, सेब के छिलके में सच में प्रोटीन विटामिन जो भी होता है, लेकिन होता है तो खा लेंगे, पापा ने खाना नहीं है, खाए नहीं खाए साउथ बिल्कुल, हम तो खा लेते हैं, हमें छीले नहीं छिलका में कुछ राहत है प्रोटीन विटामिन। तुझे बड़ा पता है, पपीते का तो समझ में आता है कि चलो ठीक है उसका छिलका नहीं खा सकते, लेकिन सेब का छिलका तो बचपन से खाते आए हैं। तो मम्मी मेरी मदद करवाने आ गई थी क्योंकि उनको भरोसा था कि मैं सब काम बिल्कुल आराम से करता हूँ, बिल्कुल कोई जल्दबाजी नहीं करता हूँ। तो मैंने तो पपीते बस काटे थे, मम्मी ने पपीते और सेव को काट भी दिया और छिल भी दिया, अब बस बारी थी कि पपीतों को सेवों को उनके उनके कस्टमरों तक पहुंचाने की। अच्छा तो तू अब डिलीवरी बॉय बनने वाला था। ये क्या कहते हैं कि सेव की छिलवाया करते हैं, सेव की छिलवाया करते हैं। स्वाद के लिए, स्वाद के लिए। हाँ सेव का छिलका थोड़ी छिलवाया जाता है, सेव के छिलके में रहता है कुछ ना कुछ। ए, मुझे लगा था तू बोलेगा सेव में भी कुछ कुछ होता है। विटामिन ए है पूरे सेव में, तो छिलके में भी विटामिन ए होगा। छील देता आलू का सलाव करके कसर करता। वाह है तो, वही तो। अरे दो यार, एक और कस्टमर है उस कमरे में। एक कस्टमर को तो दे आए हैं, एक और कस्टमर है जिसका नाम है नेहा। क्या है कि मैं ये जो प्लेट है वो तो दूसरे कस्टमर को देने जा रहे हो? ए काली चाय पी ली? लो तो अब ये सफ़ेद और केसरिया सेब खाओ। पपीते हैं और सेब हैं, इसमें मिक्स है, दे दो चुपचाप से, दे दो। अब जो कल मामा लोग आए थे इसके, तो 500 मम्मी को देके गए हैं और 500 मेरी मम्मी को देके गए हैं और 500 छोटे भीम को देके गए हैं, धैर्य को देके गए हैं, तो देनी रही है। अब पहले 500 तो जो कौन देखे गया था, पहले वाले 500? अच्छा हाँ, प्रभा लोग देखी गई थी, मामा की लड़कियां देखी गई थी। अब 500 रुपये इसके मामा के, इसके मामा देखे गए। दे दो चुपचाप से, बता रहा हूँ, ले लो। पुंगी, छोटा छोटा पुंगी, 500 का पुंगी बना लिया। अभी बता, अभी बताता हूँ मैं। तो क्या है कि अभी नेहा से मेरी बात चल रही थी कुछ ना कुछ के प्रेगनेंसी के दौरान क्या क्या होता है क्या नहीं होता है, तो नेहा मुझसे बोली थी कि कितना सर की फाइज करना पड़ता है। बहरे नहीं हुआ, उसको बोलना था कि सैक्रीफाइस, तो उसने बोल दिया कि सर की फाइज। सर की फाइज, तुम्हारा दिमाग ही सरक गया है। मजा आ गया, तुम सेव तो खाओ। नहीं खाना मुझे, जल्दी खाओ ना। आज से कुछ ना खाऊंगी। आज से कुछ ना खाओगी? आज उपवास है क्या? यही समझ लो। जल्दी खाओ तुम, फिर दवाई खाओ। अब आज बहुत सारे काम करने हैं,
और कुछ जरूरी काम है, कुछ इम्पोर्टेंट काम है। तो एक काम ये है कि नेहा के टाँके कटने हैं, 10 दिन हो गए हैं। डॉक्टर साहब ने कहा था कि 5 दिन डिस्चार्ज के बाद आ जाना, काट देंगे। तो मैं सोच रहा हूँ किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में पहले जाके पूछता हूँ कि क्या कैसा है, कितने दिन में डिलीवरी हुई थी और आज 10वां दिन है, तो कटेंगे नहीं कटेंगे, क्या है कैसा है। तो पहले कुछ हॉस्पिटल्स में पूछूंगा, जहाँ सही लगेगा तो वहाँ कटवा लूँगा। और क्या काम है आज? अभी हल्का हल्का सर दर्द हो रहा है और तरेट मतलब कि हल्का पेट के पास दर्द हो रहा है। तो वो नहीं, करिया पैर जुकाम है ना। अच्छा, करिया पैर दर्द दे रहे हैं, कमर और पैर दर्द दे रहे हैं। अब क्या है कि कुछ दर्द की दवाइयां भी दी थी उन्होंने कि जब दर्द हो तब खा लेना, तो ये रोज खा लेती है। थोड़ा बहुत हल्का तो सहन करना चाहिए, क्योंकि दर्द की दवाइयां सही नहीं होती ज़्यादा खाना। समझी? चलो तो मैं निकलता हूँ, पहले जाता हूँ हॉस्पिटल से, पूछ के आता हूँ कि भैया जी टाँके कटवाने हैं, बताइए क्या करना पड़ेगा। खाने दिखाओ लोगे तो क्या करोगे, दवाई गोली खाने नहीं आए। मुझे गरिया रही है, क्या है कि अभी थोड़ी देर पहले हल्का फुल्का दर्द हुआ था छीने में दर्द बहुत ज्यादा है, दूसरे वाला भी, और थोड़ा बहुत ये कभी कभी होता रहता है। तो मम्मी मुझे डांट रहे थे कि दिखाते है नहीं, दिखाते भी तो गोली वोली खाते है नहीं। चलो ये सब बातें तो दूसरी हैं। अब मैं जा रहा हूँ हॉस्पिटल पूछने टाँके वाँके का, देखता हूँ कौन सी सही हॉस्पिटल मिलती है। और बाकी धैर्य धैर्य, वैसे नाम कैसा लगा आप लोगों को? धैर्य मतलब बहुत सोच समझ के रखा है। धैर्य सबसे बड़ा गुण है किसी भी व्यक्ति के अंदर, मेरे अंदर है नहीं गुण। तो अब मैं इसलिए उसका नाम धैर्य रख दिया ताकि अगर कोई मुझे बोले तुम्हारे अंदर धैर्य नहीं है, मैंने बोला तो मेरे अंदर नहीं तो क्या हुआ, मेरे पास तो धैर्य है ना। धैर्य आराम से छो जाओ। अब मैं जाता हूँ हॉस्पिटल, पूछ के आता हूँ। माता मैं हूँ जाता, आशीर्वाद दीजिए कि मैं बनूँ भाग्य विधाता। लात मारने को किसने कहा था? भैया मम्मी ने मिठाई खिलाई कि नहीं खिलाई? अरे हाओ तुम बहुत दानकदार हो। मम्मी बताइए, दूध वाले भैया को मिठाई नहीं खिलाई मम्मी ने? ठीक है तो कोई बात नहीं, आप खोवा ले आना, मिठाई खिला दे। अरे खिलाते हैं आपको मिठाई। चाबी किधर है? यहाँ पे बगल में हॉस्पिटल है तो यहाँ पर पूछा है, 1 बजे बैठती है मैडम, तो वो पहले देखेंगे, उसके बाद टाँके कटेंगे नहीं कटेंगे बताएंगे। वैसे तो कट जाएंगे क्योंकि हर जगह मेडिकल में यही रूल होता है 10 दिन में कटने का। तो नंबर लगा दिया है, अब किसी का एक्सीडेंट हुआ है तो आए हुए हैं, डॉक्टर चेक कर रहे हैं। मतलब कि हॉस्पिटल में जाओ ना तो बड़ा तकलीफ़ होती है, तब तकलीफ़ होती है जब बड़ी विनती करने के बाद कोई जिम्मेदार व्यक्ति निकल के आता है पेशेंट को देखने के लिए। ऐसा कुछ हुआ, बोलना नहीं चाहूँगा पूरी बात। आदमी आदमी की तकलीफ नहीं समझता, ये दिक्कत है ये। अरे क्या हुआ, क्या हुआ? रो रहा है, भूख लगी होगी। तो मैं नंबर ला के आ गया हूँ, 1 बजे जाना है डॉक्टर मैडम को दिखाने। अब जो सहायिका मैडम थी, आशा सहायिका, उन्होंने कुछ कागज़ मंगाए हैं जमा करने के लिए, उनको ज़रूरत भी होगी तो उनको देने जाता हूँ। जब तक लौटूंगा तब तक 12:30 बच ही जाएगा, तो उसके बाद डायरेक्ट टाँके कटाने जाना पड़ेगा। तो पापा जी से बोलना है कि एम्बुलेंस को नंबर लगवा दें। पिता 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 किधर जी, किधर आई हो? पिता जी किधर? तो अपनी गड्डी लगा हम लोग उधर पहुंच गए जहां पर आशा कार्यकर्ता को हम लोग को वो कागज वागज देना थे। भाई साहब समझ गए? हाँ, खाने का टाइम है, खाना खा रहे लाऊं। अपनी थाली में ये सब आइटम है, पिताजी भी खाना खा रहे हैं, माता श्री भी भोजन कर रहे हैं। तो अब क्या है, कल शरद पूर्णिमा थी, तो ऐसी मान्यता है कि शरद पूर्णिमा में खीर बना के बाहर रखने से उसमें अमृत गिर जाता है। तो अभी मम्मी पापा मैं तीनों जन वो खीर खा के अमर बन रहे हैं। ये है अमृत। हॉस्पिटल में दिखा के मैं आ गया हूँ, अभी आप लोगों ने देखा होगा, जाना समझा कर ऑटो में बैठ के आए हैं। बस परेशानी एक ये हुई है कि जो एक टाँका है, शायद 3-4 टाँके थे, उनमें से एक टाँका है, उसने बताया कि जो कंपाउंडर देख रहा था कि उसमें हल्की सी रेडनेस है, तो बोल रहे हैं आज ना कटवाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, 2-3 दिन बाद कटवाएं तो थोड़ा सा और वो मजबूत बन जाएगा। तो टेंशन हो जाती बस इन सब चीज़ों को देख के, कि कुछ भी इजीली और स्मूथली नहीं चलता। अब
टांके कट जाते अच्छी तरीके से, मतलब कुछ दिक्कत ना होती, और टांके कट जाते तो थोड़ा सा फ्रीडम सी आ जाती दिमाग में कि हाँ चलो एक और चीज़ ठीक हो गई। अब दिमाग में एक चीज़ बैठ गई कि अभी चलो एक चीज़ थोड़ी सी दिक्कत सी है, तो टेंशन तो दिमाग में भर ही गई कि हाँ अभी ऐसा ऐसा है। तो अब 3 दिन बाद बुलाया है तो 3 दिन बाद जाएंगे। कभी कभी लगता है, मतलब कि पिछले कुछ दिनों से मुझे ये महसूस होता है कि काश मतलब बड़े आदमी होते ना तो किसी बड़े तुमसे नहीं बोल रहा हूँ, भगवान गरज रहे हैं, पानी वाला पूरा मौसम बन चुका है। तो अगर बड़े आदमी से पहचान होती, डॉक्टर वॉक्टर कुछ आसपास होते कुछ, तो उनसे डायरेक्ट पूछ लेते कि वो जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं कि नहीं। क्योंकि आजकल सही बता रहा हूँ, जो मैंने हॉस्पिटल्स की स्थितियाँ देखी, सरकारी हो चाहे प्राइवेट, मतलब विश्वास थोड़ा सा कम हो गया मेरा, जो सुनने में आता है, खबरें सुनने में आती हैं। तो पानी वाला मौसम बन गया है और इधर थोड़ा सा परेशानी वाला मौसम बन गया है। तुम सो जाओ अभी। जाओ बेटा। अब क्या है कि आज नेहा के टाँके कटे नहीं हैं, 2-3 दिन बाद कटेंगे। शाम को एक और दिक्कत हो गई। दिक्कत ये थी बेटा कि तुम्हारी दादी की तबीयत ख़राब हो गई थी, बुखार आ गया था मम्मी को अचानक से, दोपहर से उनको लग रहा था, लेकिन फिर अचानक से शाम को तेज हो गई बुखार। तो अभी उनको दिखाने ले गया था, नंबर आने वाला था, साथ में वेदू है उनके। अब यहाँ का भी देखना है, नेहा को भी ले जाना है बाथरूम हर जगह उठाना, तो यहाँ भी रहना बहुत ज़रूरी है। तो वेदू वहाँ पर है, मैं यहाँ पर हूँ, और मतलब कि ये पीरियड सच में काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। जितनी मेहनत करनी पड़ती है डिलीवरी के पहले, उससे कहीं ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है डिलीवरी के बाद, तुम्हारे आने के बाद। गधे, ऐसे अमोमो क्या कर रहे हो, छोड़ो चुपचाप, जमीन में फिर बहुत खतरनाक हूँ। पिताजी अभी तो आप खतरनाक नहीं दिख रहे हो, अभी तो मुझे आपकी केवल नाक दिख रही है।